तो आओ साथ संगत। आज के तो बाबा जी आप जानते हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़ा ही लिहाज करते हैं, बड़ा देख कर अंडित करते हैं। पर मैं तो शहनशाह के टाइम भी बड़ा समा बिताया। शादी से पहले ही ज्ञान लिया संगत में आना, गीत भी बोलने, कविता भी बोलनिया, हर वक्त शहनशाह की दृष्टि पड़ने से उनकी विचारे ऐसे ऐसे होती थी कि हृदय कांप उठता था कि दातार कृपा करना, रहम करना, सतगुरु रहम दिल होता है। वो साफ साफ कहते थे मैं कितना रहम करूं, कितना तुम्हारे पे तरस करूं, कैसे मैं तुझे समझाऊं। एक दिन तो फिर कहने लगा अच्छा आपकी मर्जी, ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, जी ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा मिलेगा, जब आपके कर्म ऐसे रहे तो मेरा ज्ञान मेरे पास आ जाएगा, तुम फिर खाली के खाली। उसी वक्त साथ संगत जितने भी बैठे थे कमरे में सारे सिमरन शुरू कर दिया कि शहनशाह ऐसी परीक्षा ना डालना। अपने चरणों के साथ लगाया है तो जिंदगी भर लगाए रखना। जैसे हमारे श्वास है अंत श्वासों तक तेरे साथ निभ आए, पढ़ते होते थे मेरी निभ जाए गुरु दे नाले, गुरु दे नाले तो तब भी निभेगी कि जो गुर के सोकार कमाओ, गुर की करनी कायता। गुरु की तरफ नहीं देखना कि तुमने खाता खाया क्या, पहनते क्या है, गुरु क्या बैठते कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं। गुरु तो समर्थ होता है, समर्थ गुरु सिर हाथ तरियो, साढ़े सिर ते हाथ तरिया समर्थ गुरु ने, जब रखा है हाथ तो फिर साथ संगत, तभी बातों की समझ आई गुरु क्या, गुरसिख क्या, गुरु कैसे समझाते हैं, गुरसिख का क्या कर्म है। कहते थे साहब कहते, फिर मेरे पास रोने रोते रोते नहीं आना, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा, धोखे तुम करो, वाल चाल तुम करो, दूसरे को तुम तंग करो, फिर मेरे पास आओ, मेरे से भूल बख्शाओ, उसी से बख्शाओ जिसे धोखा किया, मेरे पास नहीं आने की जरूरत, मैं नहीं कुछ कर सकता, सब जवाब दे देते थे। तो आओ साथ संगत, हर वक्त सतगुरु का भय बना रहे, क्योंकि जो भय नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं हो सकती। इसीलिए हर वक्त यही अरदास करें कि दातार कृपा कर, जे तू तुठा है कृपा नदान, ना दूजा वेखाल, यो पाई मुदातड़ी, नित हिरदे रखा समाध। सत्संग जी, धन्यवाद।